हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप लोग? बढ़िया। चलिए तो बढ़िया रहिए। तो आज हम आप लोगों के साथ सलाइवरी ग्लैंड डिस्कस करेंगे, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है। क्लियर? तो आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या डिस्कस करेंगे? सलाइवरी ग्लैंड्स, तो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होती है? तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो यहाँ पे फोर टाइप्स की हमको सलाइवरी ग्लैंड्स मिलेगी। क्लियर? पहला मिलेगा पैराटिड, दूसरा मिलेगा सबलिंगुअल, तीसरा मिलेगा सब मैक्सिलरी, चौथा मिलेगा सब मैंडिबुलर। क्लियर? अपने को चार टाइप्स की ग्लैंड मिलेगी, पैराटिड, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स मिलेंगी। अब यदि इन ग्लैंड्स के हम पोजीशन की बात करें, यदि हम इन ग्लैंड्स के पोजीशन की बात करें तो आप ऐसा बना सकते हो। क्लियर? ये हो गया, मान लीजिए हमारा माउथ। क्लियर? ये हो गया माउथ, ये हो गया नोज, ये ग्लैंड हो गई पैराटिड, ये ग्लैंड हो गई पैराटिड। अब पैराटिड जितने भी ये ग्लैंड्स हैं, सारी की सारी ग्लैंड्स कौन सी हैं? एक्सोक्राइन। कौन सी हैं सारी की सारी ग्लैंड? एक्सोक्राइन। क्लियर? एक्सोक्राइन मतलब कि इनमें डक्ट प्रेजेंट है। क्या है? एक्सोक्राइन मतलब डक्ट प्रेजेंट है। क्लियर हुआ? अब यदि एक्सोक्राइन है और डक्ट प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा हमारा पैराटिड ग्लैंड। पैराटिड ग्लैंड में जो डक्ट होता है इसको हम बोलते हैं स्टेंशन डक्ट, स्टेंशन डक्ट। क्लियर हुआ? उसके बाद यदि हम बात करें तो यहां पे टंग, ये टंग है, टंग से ये जो ग्लैंड्स हैं इस ग्लैंड को हम बोलेंगे सबलिंगुअल ग्लैंड। टंग के नीचे जो ग्लैंड है उसको हम बोलेंगे सबलिंगुअल ग्लैंड, और सबलिंगुअल ग्लैंड की जो डक्ट हैं इनको हम बोलेंगे डक्ट ऑफ रिविनस। क्लियर? मतलब कि ये हो गया डक्ट ऑफ रिविनस। उसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पे सब मैंडिबल ग्लैंड्स और यहाँ सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स। क्लियर? और सब मैंडिबल ये हो गए हमारे सब मैंडिबल, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, एंड यहीं पे साथ में सब मैक्सिलरी ग्लैंड। सब मैंडिबल और सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स की जो डक्ट होती है, जो इसकी डक्ट है, ये जो माउथ में खुल रही है, जो इसकी डक्ट है सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर की, क्या बोलेंगे इसको? वॉटसन डक्ट। क्लियर हुआ? तो ये हो गया सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर की हो गई वॉटसन डक्ट। मतलब कि जहां डक्ट होगा, क्लियर है, तो वो डक्ट जिस ग्लैंड में होगा उसको हम बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स।
तो यदि हम बात करें अपने माउथ में, तो हमारे माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, तो मेनली पैराटी, सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी और सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स होती हैं। अब बहुत बार एग्जाम में इन ग्लैंड्स के डक्ट के बारे में पूछता है, तो सबसे पहले याद रखिएगा एक्सटेंशन डक्ट पैराटिड की, डक्ट ऑफ रेविनस सबलिंगुअल की, वॉर्सन डक्ट सबमैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर की, ये हमारी डक्ट्स हो गई, बहुत बार एग्जाम में आता है। और इन सारे के सारे डक्ट से सिक्रीट होता है सलाइवा। क्या सिक्रीट होता है? सबसे सिक्रीट होता है सलाइवा, जो कि हमारे यहाँ स्टोर होता है, और ये फूड से मिलके फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। क्लियर, ये हो गया सलाइवा, जो फूड को ब्रेक डाउन करने में, फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। हेल्प द डाइजेशन ऑफ फूड। क्लियर, फूड के डाइजेशन में जो हेल्प करता है वो हमारा क्या हो गया, एक्सटेंशन डक्ट, है ना। चलिए, वो हम फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है ये सलाइवा। तो ये हो गया हमारे चार सलाइवरी ग्लैंड्स इन बक्कल कैविटीज, यानी कि माउथ के अंदर जो चार सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई। इसके बाद एक और चीज हम डिस्कस करेंगे आपसे, वॉल लेयर रिंग। चलिए तो अब हम आपसे एक रिंग डिस्कस करेंगे जिसको हम बोलते हैं वॉल लेयर रिंग। तो वॉल लेयर रिंग क्या होता है? तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, टॉन्सिल सर्कुलर अरेंज इन माउथ। क्लियर, हमारे माउथ के चारों ओर टॉन्सिल सर्कुलर अरेंज होते हैं, जिनको हम बोलते हैं वॉल लेयर रिंग, इनको बोलते हैं वॉल लेयर रिंग। अब इनमें क्या होता है, ये हमारा फेरिंग्स वाले में फेरेंजियल टॉन्सिल होता है। क्लियर, फेरेंजियल टॉन्सिल के बाद आओ तो ट्यूबल टॉन्सिल। ट्यूबल टॉन्सिल जैसे हमारे यूस्टेशियन ट्यूब होता है, मतलब यूस्टेशियन ट्यूब क्या होता है, जैसे पहले भी मैंने, जैसे मान लीजिए कि ये एक्सटर्नल ईयर है, एक्सटर्नल ईयर जिसको हम पिन्ना भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिन्ना बोलते हैं, और ये हमारा यूस्टेशियन ट्यूब होती है, ये हमारी यूस्टेशियन ट्यूब होती है। क्लियर, तो ये यूस्टेशियन ट्यूब होती है, और ये दोनों अपने कान है, कान के बीच में यूस्टेशियन ट्यूब होती है, और यूस्टेशियन ट्यूब के यहाँ पे जो टॉन्सिल्स होते हैं, इन टॉन्सिल्स को हम बोलते हैं ट्यूबल टॉन्सिल। क्या बोलते हैं? ट्यूबल टॉन्सिल। उसके बाद बात करो तो जो हमारी पैलेटाइन बोन होती है, क्लियर, तो वहां पे होता है पैलेटाइन टॉन्सिल, मतलब कान के कहीं यहाँ इस वाले पार्ट में कुछ टॉन्सिल्स होते हैं दोनों साइड, जिसको हम बोलते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल। उसके जस्ट बाद सबसे नीचे जहाँ टंग होती है, जुड़ी होती है, उस लास्ट एंड में एक टॉन्सिल होता है, जिसको हम बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल। इस तरह से हमारे ये जो हमारे सारे के सारे टॉन्सिल्स होते हैं, एक लाइन में, एक सर्कुलर लाइन में अरेंज होते हैं, और इस सारे के सारे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, वॉल लेयर रिंग। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। अब हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे, ओसोफेगस एंड स्टमक। क्लियर, चलिए, थैंक यू सो मच।